मैं आपको मोदक बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। वैसे तो मोदक चावल के आटे के बनाए जाते हैं और फिर गणेश जी का भोग लगाया जाता है, लेकिन मैं आपको आज मावा के मोदक बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। ये मोदक खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और आप इसको इजिली घर में बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किसकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। 250 ग्राम मैंने मावा लिया है, जिसको मैंने हाथ से इस तरीके से क्रम्बल कर लिया है। आधा कप पाउडर शुगर, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने काजू बादाम पिस्ता ये छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 टीस्पून घी, 4 से 5 छोटी इलायची जिसे मैंने पीस लिया है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ बनाते कैसे। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। घी मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें मावा डाल देती हूँ। अब मैं इस मावा को हल्का गोल्डन कलर का होने तक भूनूंगी। इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है, जिससे कि मावा नीचे तली में न लगे। गैस को मैंने स्लो मीडियम कर दिया है। मावा भुन गया है, इसे मैंने लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट करीब भुना है। हमें ज्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का ब्राउन कलर का ही मावा को करना है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और मावा को ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मावा ठंडा हो गया है, हमें बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना, इसको हल्का गर्म है जिससे कि आराम से छू सकते हैं। और इसे गर्म में ये पाउडर शुगर है वो इसको मिक्स नहीं करना। अगर हमने गर्म में पाउडर शुगर को मिक्स कर दिया तो ये मेल्ट होने शुरू हो जाती है, इसीलिए हमें मावा को हल्का गर्म ही रखना है। और इसको हाथ से मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें इलायची मिक्स कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले। मावा के मोदक खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। ये मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको मोदक बनाना के दिखाती हूँ कैसे बनाने। देखिए, ये मैंने मोदक का सांचा लिया है, हमें ये सांचा इजिली मार्केट में मिल जाता है। देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, जिससे कि मोदक इसमें से आसानी से निकल जाएंगे। मैंने तीनों पे घी लगा दिया है। अब मैं थोड़ा सा ये मावा, जिसे खोया भी बोलते हैं, इसको मैं रख देती हूँ इस तरीके से तीनों में। देखिए, मैंने तीनों में रख दिया है। इसे ऊपर तक रखना है, जिससे कि ऊपर की शेप अच्छी बने। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे से दबा देना है और इधर से मैं छेद कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि मैं आसानी से इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकूं। और इसमें देखिए, इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट भर दें और ऊपर से मैं थोड़ा सा ये लगा देती हूँ, जिससे कि ड्राई फ्रूट लेना। और इसको इस तरीके से दबा दें। अब मैं इसको खोल लेती हूँ। देखिए, अब ये मोदक को
देखिए मोदक कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसको प्लेट पर रख देती हूँ। देखिए कितना आसान है मोदक को बनाना। इस तरीके से मैं सभी मोदक बना लूंगी। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप इसको इस तरीके से गोल कर लें और हाथ से लंबाई में इसकी शेप दें। देखिए मोदक बन गया। इस तरीके से भी बना सकते हैं, अगर साझा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैंने सभी मोदक बना लिए हैं। ये कितने अच्छे मोदक बनके तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर ये मोदक आपको पसंद आते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए नमस्कार।